हम बीपी कैलकुलेट करना सीख रहे थे, उसी में कुछ उदाहरण हमने सीखे, कुछ एग्जाम्पल हमने लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट बीईपी। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 5 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है हमारा 4 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया ₹2 पर यूनिट। बीपी हम यूनिट में निकालेंगे। फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 5 लाख, कंट्रीब्यूशन है 2 रुपीज़। 5 लाख डिवाइड बाय 2, 2,50,000 यूनिट्स हमारा बीईपी पॉइंट आ जाएगा। अगर इसको रुपीज़ में निकालना है तो हमारा फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है हमारी 5 लाख, कंट्रीब्यूशन है ₹2 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है ₹4। तो हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट बीईपी। सेल्स दी हुई है 1 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट दी है 50,000 रुपीज़, प्रॉफिट दिया है 20,000। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल है हमारी 1 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 50,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50,000। फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन है हमारा 50,000, प्रॉफिट है हमारा 20,000, तो हमारे फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 30,000। तो बीईपी हम फिर कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू में सेल। फिक्स कॉस्ट है हमारी 30,000, कंट्रीब्यूशन है हमारा 50,000, सेल्स है हमारी 1 लाख। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी बीईपी 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट है, फिक्स कॉस्ट हमारी दी है 40,000, पीवी रेशियो दी है 20%। बीपी निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है बीपी का फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 40,000, पीवी रेशियो है 20%, तो क्या हो जाएगा 40,000 × 100 डिवाइड बाय 20, तो 2 लाख रुपीज़ हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी 2 लाख रुपीज़ हमारी बीईपी आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिक्स कॉस्ट दी है 36,000, वेरिएबल कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दी है 70%। बीपी निकालना है। जैसा कि हमें पता है पीवी रेशियो होती है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 माइनस 70%, 30% हमारी पीवी रेशियो आ जाएगी। बीपी क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है हमारी 36,000, पीवी रेशियो है हमारी 30%, तो 36,000 डिवाइड बाय 30 × 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट बीईपी। सेल्स दी गई है 2019 की 80,000 रुपये, 2020 की 90,000 रुपये, प्रॉफिट दिया है 2019 का 10,000 रुपये, 2020 का 14,000 रुपये। तो सबसे पहले हम पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए हमारा फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। तो चेंज इन हमारा प्रॉफिट हो गया 10,000, 14,000 माइनस 10,000, और चेंज इन सेल हो गया 90,000 माइनस 80,000। तो 4,000 डिवाइड बाय 10,000 × 100, 40% हमारी पीवी रेशियो आ गई। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स है हमारी 90,000, पीवी रेशियो है 40%, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 36,000। इसमें 2 साल की हमारी सेल दी है, 2 साल का हमारा प्रॉफिट दिया है, तो हम किसी भी साल की सेल को लेकर, किसी भी साल की प्रॉफिट को लेकर हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोनों से ही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, दोनों से ही हमारी बीईपी सेल आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन हमारा 36,000, ये आया है हमारा 2020 का, तो हमें प्रॉफिट भी 2020 का लेना है। 14,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ गई 22,000। बीपी होगी हमारी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल। फिक्स कॉस्ट है हमारी 22,000, कंट्रीब्यूशन 36,000, सेल है हमारी 90,000, तो हमारी 55,000 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप करना चाहो तो 2019 का
सेल्स लेकर भी कर सकते हैं। 2019 की सेल लेंगे, 2019 की सेल है हमारी 80% और पीवी रेशियो है हमारी 40%, तो 32,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। 10,000 उसमें से प्रॉफिट लेस करेंगे, वही हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 22,000। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेलिंग प्राइस दिया है हमारा 15 रुपये प्रति यूनिट। कितनी यूनिट हमने बेची हैं? 8,000 यूनिट हमने बेची हैं। लॉस दिया है पर यूनिट ₹5। यूनिट अगर हम 20,000 सेल करते हैं तो प्रॉफिट हमारा पर यूनिट होगा 4 रुपये। हमें BEP निकालना है, तो पहले हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं, जब हमने 8,000 यूनिट बेची, 8,000 × 5 तो हमारा लॉस आया 40,000 का। 20,000 यूनिट हमने बेची, 20,000 × 4 80,000 आया हमारा प्रॉफिट। फिर हमें सेल निकालनी है, 8,000 यूनिट बेची 15 रुपये के हिसाब से, तो 1,20,000 रुपये हमारी सेल आ गई। 20,000 यूनिट बेची 15 रुपये के हिसाब से, तो हमारी सेल आ गई 3 लाख रुपये। तो अब हम पीवी रेशियो निकालेंगे। हमारा फार्मूला चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। तो प्रॉफिट हमारा 80,000, पहले हमें 40,000 का लॉस था तो वो माइनस कर देंगे। सेल हमारी 3 लाख थी, पहले हमारी 1,20,000 थी, इंटू में 100, तो ये ऊपर आ गया 1,20,000 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 100, तो 66.2/3% हमारी पीवी रेशियो आई। अब हमें बीपी निकालनी है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या है? सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल हमारी 3 लाख, पीवी रेशियो 66.2/3% माइनस हमारा प्रॉफिट 80,000। 2 लाख - 80,000 1,20,000 आएगी, तो हमारा बीपी आ गया 1,20,000 डिवाइड बाय 66.2/3%। तो इसको हम सोल्व करेंगे, हमारी बीपी आ गई 1,80,000। यूनिट्स में निकालना है, 15 रुपये की हमारी एक यूनिट सेल की है, तो उस सेलिंग प्राइस से हम डिवाइड कर देंगे, हमारी यूनिट आ गई 12,000 यूनिट बीईपी पॉइंट पर पहुंचने के लिए। उसके बाद आता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टोटल सेल एंड बीईपी सेल। इसको हम रुपीज़ में भी कैलकुलेट करते हैं, यूनिट में भी कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज फॉर्म में भी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी हमारी सेल बीपी पॉइंट से ज़्यादा होगी वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में हमें निकालना है, तो सेल्स माइनस बीपी या प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये हमारा एमओएस आ जाएगा। शॉर्ट में इसको एमओएस भी बोलते हैं, अक्सर एग्जाम में भी कई बार एमओएस आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एमओएस का अर्थ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यूनिट में निकालना है, सेल्स हमारी यूनिट में कितनी है, बीपी हमारी यूनिट्स में कितनी होगी उसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा तरीका है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो उससे भी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगी। परसेंटेज में हम निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू द सेल, कितना हमारा एमओएस आया उसको हम टोटल एक्चुअल सेल से डिवाइड करके इनटू में 100, तो ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल की परसेंटेज आ जाएगी। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। कैलकुलेट एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें कैलकुलेट करनी है। हमारा प्रॉफिट दिया है 20,000, पीवी रेशियो है 40%, तो हमारा फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, 20,000 डिवाइड बाय 40%, तो 50,000 हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। दूसरा है सेल दी है 3 लाख, बीपी दिया है 4,50,000 रुपीज़, तो हमें एमओएस निकालना है। सीधा फार्मूला है सेल्स माइनस बीईपी, सेल्स 3 लाख है हमारी और बीपी है 4,50,000, तो ये -150 आ गया। हेयर अमाउंट ऑफ सेल इज लेस देन द बीईपी, सो देर इज अ नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि बीईपी तक हमारा कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, बीईपी से कम आ रहा है तो वो हमारा कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। जब हमारी सेल बीईपी पॉइंट से ज़्यादा होगी तभी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है। नेक्स्ट है, सेल दे रखी है 20,000 यूनिट, बीईपी दे रखी है 15,000 यूनिट, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकलेगा सेल्स माइनस बीपी, 20,000 - 15,000, 5,000 यूनिट हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। नेक्स्ट है कैलकुलेट बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 8,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज़, सेल है हमारी ₹20,000, सेल्स पर यूनिट है हमारी 20 रुपीज़, तो सेल्स हम यूनिट में निकाल लेंगे। 20,000 हमारी टोटल सेल है, पर यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है 20, उससे डिवाइड करेंगे तो 1,000 यूनिट हमने सेल की है। बीपी निकालनी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन हमारा पर यूनिट होता है सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया है 20 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट दी है 4, 8,000 डिवाइड बाई 20 - 4,
16, तो 500 यूनिट हमारी बीईपी आ जाएगी। बीईपी हमें रुपीज़ में निकालनी है, फिक्स कॉस्ट 8,000 डिवाइड बाई सेल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू में सेल प्राइस पर यूनिट, 8,000 डिवाइड बाई 20 माइनस 4 इंटू 20, 500 इंटू 20 आ जाएगा 10,000 रुपीज़ हमारी बीईपी सेल आ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, सेल्स माइनस बीईपी, 20,000 हमारी सेल है, 10,000 बीईपी है, तो रुपीज़ 10,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। यूनिट में निकालना है, 1,000 यूनिट हमें सेल करनी है, सेल की है, और बीपी है हमारा 500, तो 500 यूनिट हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। नेक्स्ट, सेल दी है 2 लाख रुपीज़ ए कंपनी की, बी कंपनी की सेल है 2 लाख रुपीज़, टोटल कॉस्ट है 1,60,000 दोनों की ही, प्रॉफिट आ गया 40,000 40,000। फिर टोटल कॉस्ट का बाइफरकेशन दिया है, फिक्स कॉस्ट है 60,000 ए कंपनी में, बी कंपनी में है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ए कंपनी में है 1 लाख, बी कंपनी में है 60,000। टोटल कॉस्ट दोनों की 160 160 है, लेकिन उसमें फिक्स कॉस्ट 60 है, उसमें फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट 60 है। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ए लिमिटेड का आएगा, सेल थी हमारी 2 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। इसी प्रकार बी लिमिटेड का निकालेंगे, 2 लाख रुपीज़ हमारी सेल थी, 60,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,40,000। फिर हम बीईपी सेल निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल, ए लिमिटेड का बीईपी क्या होगा, ए बी का था कंट्रीब्यूशन 60,000 डिवाइड बाय, ए की फिक्स कॉस्ट थी 60,000, कंट्रीब्यूशन था 1 लाख इंटू 2 लाख, तो 1,20,000 बीईपी सेल आएगी। इसी प्रकार बी का फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़, कंट्रीब्यूशन था 1,40,000 इंटू 2 लाख, तो रुपीज़ 1,42,857.14 रुपीज़ हमारी बीईपी सेल आएगी। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है ए लिमिटेड की, सेल्स माइनस बीपी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ए लिमिटेड की 2 लाख माइनस 120 रुपीज़ 80,000 आएगा, बी लिमिटेड की 2 लाख माइनस 1,42,857.14, तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 57,142.86। नेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट पीवी रेशियो बीपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स दे रखी है 2018-19 की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 18-19 की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 18 की सेल है हमारी 3 लाख रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है 150, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 150। 19 का निकालेंगे, 360 हमारी सेल है, 216 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, 144 हमारी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे पीवी रेशियो, पीवी रेशियो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू में 100, तो 2018 के हमारा कंट्रीब्यूशन है 150, सेल है 3 लाख, इनटू 100 50% आ गया। 2019 का निकालेंगे, 1,44,000 हमारी कंट्रीब्यूशन है, सेल है 360 इनटू 100, तो 40% हमारा पीवी रेशियो 2019 का आ गया। फिर बीईपी निकालेंगे, बीईपी होती है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू में सेल, 2018 की फिक्स कॉस्ट है 19,000 90,000, कंट्रीब्यूशन है 150 इनटू 3 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 1,80,000। 2019 का फिक्स कॉस्ट है 1,20,000, कंट्रीब्यूशन है 1,44,000, सेल है हमारी 3,60,000, तो हमारी बीपी आ जाएगी 3 लाख रुपीज़। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, सेल्स माइनस बीपी, 18 की हमारी सेल है 3 लाख रुपीज़, बीपी है 180, तो हमारा 120 बीईपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 2018 का। 2019 का 360 हमारी सेल है, 3 लाख हमारी बीपी सेल है, तो 60,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय सेल इनटू 100, 2018 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 120, सेल है 3 लाख इनटू 100 40%, 2019 का हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 1,60,000 डिवाइड बाई सेल 3,60,000 इंटू 100, तो 100/6 60.67% ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आ जाएगी। इस प्रकार हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी पॉइंट और पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन हम सब निकाल सकते हैं।